Hey guys, welcome back to our new vlog. आज के ब्लॉग में क्या होने वाला, निकिता बताइए। आज के ब्लॉग में आप सोच नहीं सकते हम आपके कितना इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आए हैं जिसमें आपके मुंह में पानी आ जाएगा सोच के, एंड आप अपने एरिया के गोलगप्पे वाले के पास फैन हो जाएंगे खाने के लिए। सो गाइस, आज हम आपको एक गोलगप्पा चैलेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हो उधर हमारी मैम आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, रुक जाओ। ये गाइस, ये हमारे गोलगप्पा चैलेंज के लेट लतीफ लोग हैं, सॉरी गाइस, जो कि सबसे लेट आए हैं। से हाय। हेलो गाइस, ये हमारी मैम है, ये नेहा मैम, विश्व सुंदरी है। ये विश्व सुंदरी है एक्चुअली। इन्हें मिस वर्ल्ड जब हुआ था, इनके सेकंड रनर अप आई थी ये, तो अभी इनका रह गया है। नेक्स्ट टाइम ये फिर ट्राई करेंगे मैम। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। सो हे गाइस, हम यहाँ पे गोलगप्पे वाले के भैया के पास एक फूड चैलेंज करने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे हैं इनके पास, सो आप लोग भी आके ट्राई कर सकते हैं। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं, सो प्लीज गाइस एक बार आ जाइएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्काउंट 50% मिल जाएगा। सिर्फ आपको हमारे ब्लॉग चैनल का नेम लेना है और आते के साथ ही आपको 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो हे गाइस, हम इस चैलेंज में 2 मिनट का टाइमर रखने वाले हैं। चैलेंज इन दोनों के बीच में लगने वाला है, एंड आप देख सकते हैं आफ्टर चैलेंज जो विनर होगा एंड जो हारने वाला होगा वो गोलगप्पे की पेमेंट करेगा। पेमेंट करने यस गाइस, सो हारने वाला पेमेंट करने वाला है, एंड आपको पूरे ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि पेमेंट एक्चुअल में करी है या नहीं करी। भैया ये लोग बिना पेमेंट करे भाग जाते हैं, तो इनका घर आस पास ही है, इनसे वसूल सकते हैं आप इनके ब्लॉग देख के। इनके घर भी जा सकते हैं। अभी हम हमारे बीच में चैलेंज लगने वाला है। ये इसको रिश्वत दे रही है नेहा मैम को कि हाथ जाओ। से करवाएंगे बट मैं नहीं करूंगी, मैं जीत कर नाक नहीं कटने दूंगी। देखते हैं कौन जीतता है। यस गाइस, सो बनी रहिए ब्लॉग में, आप देखेंगे अभी कौन जीतता है, कौन विनर है। यस गाइस, सो मिलते हैं आगे ब्लॉग खाने के बाद। गाइस हम लोग, तो गाइस इनको कटोरा मिल चुका है, अभी लोग रोड पे जाएंगे। तो गाइस देखिए, टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, भैया गोलगप्पे बना रहे हैं। भैया मैं फोन यहाँ रख देती हूँ, नहीं मैं अपने हाथ में ही रख लेती हूँ। टाइम पहले स्टार्ट कर दिया है, आप स्टार्ट करती निकिता। पहला गोलगप्पा निकिता के हाथ में, निकिता ये मैं पकड़ लेती हूँ। एंड मैम के पास मेरा फोन है जो कि टाइमर सेट है, एंड नाउ द टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी खाओ, दोनों जने के गोलगप्पा खा चुके हैं और टाइम कुछ दिख नहीं रहा इसमें। निकिता मैं आपको बताती हूँ, 34 सेकंड्स हो रखे हैं अभी, दोनों ने 2 गोलगप्पे खा लिए हैं। नेहा मैम का थर्ड है ये, निकिता का सेकंड चल रहा है। मीठा वाला दोनों, निकिता मीठा वाला मांग रही पर मांग नहीं पा रही है, उसकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। नेहा मैम का थर्ड कम्प्लीट हो गया है, एंड निकिता का भी थर्ड कंप्लीट होने वाला है। नेहा मैम का फोर्थ हो गया, ओके, और निकिता थर्ड पे है। 1 मिनट हो चुका है गाइज, नेहा मैम का कौन सा नंबर है, 6th ना मैम? नेहा मैम का 6th है, निकिता का 5th है। ओके नेहा मैम आगे चल रही है। भैया इसको छोटा तो भैया प्लीज हरवा दो क्या, हम मुझे ही पे करना पड़ेगा। नेहा मैम के हो चुके हैं 7, निकिता का 6th वन अभी मुंह में जाने के लिए रेडी हो रखा है, और प्लेट में आ गया 8th वन। गाइस देखिए आप सकते हैं गोलगप्पा कितना इंटरेस्टिंग है, इतना टेस्टी। नेहा मैम सब बताइए कैसा लग रहा है, बहुत ही यम्मी है ना? इनका भैया का पानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये गोलगप्पे आटे के हैं, सूजी के नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा मतलब क्रंची है। तो नेहा मैम को कितने हो गए गोलगप्पे का पानी, भैया का नहीं गोलगप्पे का पानी। नेहा मैम का 9th है ना, निकिता का 7th है। पकड़ फिर, रुकिए गाइस अब मैं जा रही हूँ जंग लड़ने। सो गाइस आप देख सकते हैं टाइम भी लगा दिया मैंने यहाँ पर, एंड मैंने तो इस कंपटीशन को अबॉर्ट कर दिया क्योंकि मेरे को खतरों के खिलाड़ी पार्ट 2 में नहीं जाने आए, क्योंकि रोहित शेट्टी ने मुझे पूरी पेमेंट नहीं देने की वजह से। मैम का 11 गोलगप्पा है, एंड देख सकते हैं ये मनीषा मैम ने न्यू शुरू करा है, 10th है गाइज। ये अकेली चैंपियन है हमारे लिए, इनका कटोरी पूरी भर गई है लेकिन फिर भी चालू है। पानी फेंक दो गाइज, गाइज इनको हरिद्वार जाना है लग रहा है, ये कंडीशन में नहीं जाने की।
इन्होंने उल्टी को गाइस जी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे अभी तक गोलगप्पा खाया नहीं गया है। 11 गोलगप्पा है और मैम का 12 है। वाव लगता है कंपटीशन हम ही जीतेंगे, मैम वर्सेस हम हैं। एंड ये 13th गोलगप्पा है एंड मैम का 13th है ऑल्सो। सो देखते हैं इस ब्लॉग को कौन, बस लास्ट के 1 मिनट बचे हुए हैं गाइस। 12th हो गए ना, इसके लास्ट के कुछ मिनट सेकंड्स बचे हुए हैं। सो देखते हैं 14 गोलगप्पा है, आप देख सकते हैं गोलगप्पे की। इस टाइम पे शाम को गोलगप्पा खाने का इंटरेस्टिंग एक मज़ा आता है। एंड आप देख सकते हैं टाइमिंग अब होता जा रहा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके गाइज 14:15 यस गाइज। सो जैसे ही हम भी लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट होगा, सो हम करते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 the time is up guys. So देख सकते हैं मैं हार गया यार, एक मिनट भैया बस करो खाना, हार गया मैं। So guys देख सकते हैं आप चैलेंज, ये हमारी क्वीन है जो कि चैलेंज को जीत चुकी हैं पूरे 15 गोलगप्पे के साथ। सो एक बार क्लैप कर सकते हैं हम इनके लिए। ये कितने गोलगप्पे खाए हैं? सो गाइज हमारा पेट छोटा छोटा है, हमने 14 ही गोलगप्पे खाए हैं। सो गाइज हमने 14 ही गोलगप्पे खाए हैं एंड हम दोनों मिलके हार गए हैं। सो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। मैम कैसा फील कर रहे हो आप गोलगप्पे खा के? मैम अंगूठा छाप रही है, अंगूठा दिखा रही है। सो मैम कैसा लगा आपको गोलगप्पा खा के? बहुत अच्छा लगा, पर पेट ज्यादा भर गया है। बहुत ज्यादा गाइज मेरा भी भर चुका है पेट, मैं आपको फ्रंट कैमरा करके भी दिखाऊंगी कितना ज्यादा मेरा पेट भर चुका है। सो गाइज सीरियसली यम्मी गोलगप्पे थे, सो आप लोग भी आके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। गाइज आज हम हार के बहुत बुरा फील कर रहे हैं। yes. नहीं रोने की जरूरत नहीं है, आंसू मुझे आंसू नहीं आ रहे। सो गाइज हम हार चुके हैं पूरी तरीके से एंड मैम जीत चुकी हैं। जीत की खुशी में हम खाने जा रहे हैं आइसक्रीम, वो भी नहीं है मैम की तरफ से। सो गाइज आपको आइसक्रीम का अभी हम नेहा की तरफ से भले वो खिलाना चाहे ना खिलाना चाहे तो पता उसके ऊपर। अभी हमको आपको क्लिप दिखाते हैं एंड चलिए तो चलते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको आइसक्रीम की शॉप पे, आइसक्रीम पार्लर की शॉप पे। बाय। तो गाइस हम अभी आइसक्रीम वाली शॉप पे आ चुकी है, हमारा आइसक्रीम पार्लर है जैसे कि आप देख सकते हैं शॉप है ये। तो आइसक्रीम टेस्ट कराएंगे गाइस। तो अभी कॉफी कर दो, रबड़ी वाली खाओगे? हाँ रबड़ी वाली ठीक है। ओके ओके, इसकी पेमेंट नेहा मैम देने वाली क्योंकि ये जीती है जीत की खुशी में। जीतने की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट। सो यस गाइस मैम आप जीत चुकी हैं चैलेंज, इसलिए हम हमेशा हारना चाहेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा मैम के साथ चैलेंज दिखाने के लिए। गाइस वैसे बना रही है ना निकिता? हाँ हाँ इसको ओपन करना भैया जल्दी से। सो गाइस देख सकते हैं अभी ये भैया आपको हमें आइसक्रीम बना के देंगे एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइसक्रीम है। सब गाइस के अंदर एक बहुत अच्छा सस्पेंस है, खाने के बाद ये आइसक्रीम कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ये देख सकते हैं हमारी विश्व सुंदरियाँ मैम ने सेकेंड रनर अप है ये विश्व मिस वर्ल्ड की। एंड ये तो ये कौन है? ये कौन है? सो गाइस आप देख सकते हैं क्या आपके एरिया में भी आइसक्रीम मिलती है। So, वो कभी खत्म हो ही ना। हाँ इसके अंदर मैजिक है गाइस, ये एकदम फिनिश ही नहीं होती है। आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आ सकते हैं, मैम भी लेके आई थी एंड यस गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीषा मैम को जय बोले, मनीषा मैम बोल देना। यस गाइस आज हमने एक न्यू यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया, उसको भी जरूर वॉच करना आप लोग, ठीक है? बहुत ही अच्छा है एंड आप देख सकते हैं अभी हमारी बन रही है आइसक्रीम। सो हम इसके छोटी छोटी क्लिप्स ले रहे हैं ताकि आपको दिखा सके कितना हाइजीन मेंटेन करा हुआ है। मैम को अभी से ही पानी आ रहा है। मैम आइसक्रीम चैलेंज भी करना चाहते हो? यस। नहीं मैं हार जाऊंगी। गाइस ये रोहित शेट्टी ने इन्हें पैसे नहीं दिए थे इसलिए खतरों के खिलाड़ी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। बट गाइस आप सब दुखी नहीं हुई क्योंकि मैं अभी खतरों के खिलाड़ी ज्वाइन करने वाली हूँ क्योंकि रोहित शेट्टी ने मुझे पूरी पेमेंट दी है, इस वजह से मैम भी ज्वाइन कर रही हैं। बट मैम को चिपकली से डर लगता है, क्या आप लोगों को भी लगता है? यस वाओ देख सकते हैं गाइस अब कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ये, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारी मैम है। सो ये अभी आपको
गाइज आप लोग बताना ये मदर डेरी की आइसक्रीम से अच्छा ये वाली आइसक्रीम लगती है क्या गाइज आपको? ये देखो ये न्यू शॉर्ट्स में भैया आपने मुझे चेरी क्यों दे दी? उसमें चेरी मत लगाना, ये लो चेरी की पसंद नहीं, चेरी मत लगाना, चेरी भी है टूटी फूटी, टूटी फूटी नहीं खाती मैं गाइज, ये टूटी फूटी आइसक्रीम खाते हैं गाइज, ये टूटी फूटी आइसक्रीम खाते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये गाइज, ये हाँ हम 60 रुपए की आइसक्रीम खा गए, वो मैम 200 रुपए दे रही है, ये कह रही है कि आप खुले पैसे मत दो बट क्या मत दो खुले पैसे सॉफ्टी दे दो एक्स्ट्रा, हाँ सॉफ्टी नहीं गाइज ये झूठ बोल रही है, इन्होंने कोई वो नहीं दिया पैसे, ये अभी आइसक्रीम वाले पैसे बोल रहे भैया खुले पैसे लेके आओ, मस्त है ना, बहुत यम्मी आइसक्रीम है, डिलीशियस, सो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं गाइस, बच्चों को लेकर आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, मैम भी लेके आने वाली है, 200 रुपए का नोट लेके चले गए मैम भी लेके आने वाली है अपने 2-3 सालों में बच्चे चार एंड क्या बोल रही है आप तो कर नहीं मनीषा मैम आप ठीक है नहीं नेहा मैम तो लेके नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत दूर रहती हैं, ये गाजियाबाद रहती हैं, गाजियाबाद से यहाँ गोलगप्पे गोलगप्पे क्योंकि इन्होंने पार्ट टाइम कटोरे में गोलगप्पे खाना शुरू किया गाइस, यहाँ पर आइसक्रीम के साथ साथ मच्छर भी बहुत है, ये आइसक्रीम के साथ साथ मच्छर भी खा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग इन्हें, मैम की तो आइसक्रीम खत्म भी हो गई है, ये एक और लेने की फिराक में है, सो गाइज आप सब बता सकती हैं आपको सॉफ्टी कैसी लगती है, सो आपके एरिया में कैसे इसे बनाते हैं, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड जरूर आ सकते हैं, सो गाइज अभी हम आपसे खा के अभी मिलते हैं आपसे, सो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थोड़ा खट्टा कुछ मीठा था एंड मैं इतना इनको बहुत ठंड लग रही है और मच्छर ने भी बहुत ज्यादा काट लिया है, बेचारे बहुत नाजुक है, ये भी बताना चाहिए गाइज अगर हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो, एंड मैम ने बहुत जल्दी आइसक्रीम फिनिश कर ली गाइज, आप अपने स्क्रीन शेयर करें अगेन, शी इज विनर, लवली आइसक्रीम अगेन, शी इज अ विनर, अगर हम कॉम्पिटिशन करते तो मैं फिर से ये लड़की निकिता हार चुकी है, शी इज अ लूजर, नो गाइज नो, शी इज अ लूजर, और रोहित शेट्टी ने इसका ऑडिशन कैंसिल कर दिया है, अब इसको बोल रहे घर पे ही रहो, नो गाइज नो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैंने बहुत देर बाद में शुरू किया था, मैं ब्लॉग ले थी सबसे मैं खा नहीं पाई, बट आइसक्रीम बहुत ज्यादा ठंडी थी तो मेरा गला भी मुझे बहुत ज्यादा, और आइसक्रीम बहुत ज्यादा कोल्ड से दूर तो बोलना पड़ेगा है ना, बहुत ज्यादा, मैं दोबारा आऊंगी यहाँ पे खाने के लिए, बार बार आऊंगी मैं गाइज, इनकी बेबी का फोन आ रहा है गाइज इग्नोर करो इस चीज को, बेबी का कॉल आ रहा है, नहीं गाइज इनके बेबी का कॉल, बेबी का कॉल आ रहा है, सो मैम अटेंड कर लो आप कॉल, ओके मैं इसको एडिट करने वाली हूँ, मैं काट दूंगी इसको, काट रहे चलो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, काटती हूँ या नहीं काटती हूँ इसको, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं आगे न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू चैलेंज के साथ, न्यू चैलेंज, सो गाइज स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय, टेक केयर।